हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो मैं आज बता दूँ, मैं ये गाड़ी में बैठी हुई हूँ। आप कहते हो, सोचते होगे कि ये ज़्यादातर सफ़र ही करती है। हाँ, कुछ ड्यूटी का काम, कुछ पर्सनल काम, कुछ ऑफिशियल काम, बस तो सफ़र में ही रह जाते हैं। काम भी करना पड़ता है, मतलब लाइफ एकदम बहुत ज़्यादा बिजी है। और आज मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे एक पर्सनल काम है और वो कल होना ज़रूरी है। तो ये मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी दी के यहाँ। तो आज मैं आप सभी को अपनी दी से मिलवाऊँगी। तो चलो चलते हैं। ओके, तो ये है मोदी नगर। यहाँ से मैं बस कर रही थी, तो इतने में फिर मेरी तबीयत सी ख़राब थी, पता नहीं क्या हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा, गोलगप्पे थे यहाँ, सभी खा रहे थे, मुझे भी मन किया, तो ये मैं गोलगप्पे खाने के लिए बैठ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से भी बात करती हूँ। तो गोलगप्पे बस आने वाले हैं और खा के चलते हैं दीदी के यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल। और सब कैसे हैं? तो आज मैं बता दूं, आप देख रहे होगे ये सब दीवारें, घर की चेंज ही है, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ मैं आई हूँ अपनी बड़ी दीदी के यहाँ। मैं आपको बता दूं कि हम तीन बहनें हैं। तो पहले तो सोचे थे कि संगम होता है ना, गंगा यमुना सरस्वती, कि मिलन होगा, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारण से। वो जो बीच वाली है ना, वो नहीं आई। मैं बड़ी वाली जो है उनके पास आई हूँ, और मैं सबसे छोटी। मुझे ऑफिशियल काम तो था नहीं, कि मैं कह दूँ कि मुझे यहाँ पर भी ऑफिशियल काम था, बट मेरा अपना कुछ प्राइवेट पर्सनल काम था जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। और समय हो चुका है 6 बजे हैं, तो मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। और आज तारीख है 23 तारीख। हाँ, यहाँ है। और ये जो मैंने पहना हुआ है कार्डिगन, ये भी दी का मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि मैं ड्यूटी से ही आई थी, तो इसलिए। तो बच्चे गए हुए हैं बाहर, लेकिन जो यहाँ पर है, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। ये दीदी हैं, और दीदी काम कर रही हैं। पता नहीं, सारे दिन काम ही काम करती हैं। पता नहीं इतना काम कहाँ से कर लेती हैं। ये टीचर हैं, सुबह किस टाइम उठती हैं? 4 बजे। तो सर्दी हो गर्मी हो, इनका 3-4 बजे उठने का ही काम है। अब भी देखो क्या कर रही हैं, मैं दिखाती हूँ आप। अच्छा, कपड़े वॉशिंग मशीन, सुबह कपड़े धोएंगी, कल संडे है ना, इसलिए। बोल लो, मेरे में बोल लो, कोई दिक्कत ना। मैं इसे साइलेंट कर देती हूँ, म्यूजिक बजा दूंगी या कुछ। डांस दिखाएंगे आज बच्चे, डांस दिखा देना। चुप आ रही थी, ये तो इतनी तेज हो रही है बहुत, और वो भी नहीं तो सारी बातें सब कुछ पता। ये पुटलिया हो रही है क्या? वो गाना चला दो, दूसरा फोन ले आप। ये है दीदी की ये पोती, पोती, और ये भतीजी। पीछे बोलूंगी वैसे भी, अब तो इसमें मैं बोल गया गड़म पकड़ा। तो ये दीदी कपड़े, अब क्या कर रही हो? प्रेस, ये सब प्रेस के कपड़े हैं। थोड़ी देर आपकी बना दो, इसे फास्ट कर दूंगी, फिर जो दिखाती ना हूँ फट करना, वैसा कर दूंगी। पता मेरे पे एडिटिंग लेट आई, जो मेरे पे जब आ जाती ना, जब मैं कुंभ में ही, तो मेरा कुंभ की वजह से चल जाता। मैं आज मेरे पैसे आने लगते इंटरनल लेवल, मेरे तो कितनी फ्रेंड भी हैं वहाँ। और क्या चलो, जितने दीदी प्रेस करती हैं इतने में दीदी का घर दिखा देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलो बाहर से चेक खाते हैं, बाहर से स्टार्ट करती हूँ।
पहले मैंने स्लीपर नहीं पहनी है, मैं सिंपल सॉक्स में हूँ तो मुझे वो चेंज करनी पड़ेगी। नहीं 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 ये बड़ी देर आ रही है, सब आ जाए इतने रेड वाली आई है। मैं मकान वो देख, तो ये मैंने सोचा कि आपको दीदी का घर दिखा दूँ। ये बाहर से फ्रंट एरिया है, ऊपर ये टाइल्स लगी हुई हैं, ये स्टील के गेट हैं और नीचे भी ये टाइल्स ही हैं। तो चलते हैं गेट खोल के अंदर। और ये मैं आ गई हूँ अंदर। ये सबसे शुरू में बाथरूम और पोटी दोनों ही अटैच हैं। इसको मैंने गेट खोल के आपको अंदर से नहीं दिखाया। ये गैलरी है और इधर एक रूम ये है। इसकी लाइट ऑन कर देती हूँ, अभी लाइट नहीं। ये मैंने लाइट ऑन कर दी है। और ये देखिए इस तरीके से इसमें बस सोफे हैं। और ये अब चलते हैं आगे। एक इधर की साइड ये है, ये बड़ा हॉल है, इसमें एलईडी है। जब टीवी वगैरह देखते हैं तो सब इसी रूम में देखते हैं। जैसे मैं बता रही थी बच्चे बाहर गए हुए हैं, बच्चे होते तो फिर तो सभी होते। ये मेरा फ़ोन आ गया है, दो बीच वाली बहन ने मैं बता रही थी, उसका बेटा है। और इधर ये वॉश बेसिन। और ये जीना ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बाथरूम ये है। और ये आ गए हैं, ये इधर का इसमें प्रेस की मशीन और इधर वॉशिंग मशीन ये सब रखी हुई है। और इधर है दीदी का किचन। दीदी किचन में अपने लिए खाना बना रही हैं, क्योंकि दीदी थोड़ी जल्दी खाना खा लेती हैं, लेकिन पेट में प्रॉब्लम है इसलिए। और अब ये जो बच्चे थे दीदी के साथ, ये बोल रहे थे कि हमारी वीडियो बनाना, हम डांस करेंगे, तो होम टूर के बाद इनका डांस ये देखेंगे। और एक रूम, ये मंदिर है, पूजा घर है ये, पूजा का मंदिर। और एक बड़ा रूम ये है, ये बच्चों की अलमारी वगैरह, किताब सब, मतलब यहीं सब पढ़ते हैं बैठ के। और दीदी का रूम भी यही है। ये मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग टेबल के सामने। मैंने दीदी का ही सूट पहना हुआ है, वो मैं बता चुकी हूँ आप सबको पहले। और ये है एक दूसरा रूम। तो अब हो चुका है दीदी का होम टूर, अब करते हैं। वो बच्चे डांस के लिए बोल रहे थे, चलो तो देखते हैं। तो हो चुका है फ्रेंड्स दीदी के घर का व्यू। और अभी दीदी के बच्चे मार्केट गए हुए हैं, कुछ ना कुछ लेके आएंगे। जो भी मैं लेके आएंगे वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। अब आने वाले हैं बच्चे, देखो कितना शोर मचेगा। अभी आपको शांति शांति लग रही है, लेकिन जब वो आ जाएंगे, पर शांति का तो नाम ही नहीं है, शांति तो लानी पड़ती है। चलो तो
लिया, चलो इतने भी खत्म करते। हाँ तो फ्रेंड्स, ये दीदी के बच्चे आ चुके हैं। बेटा तो खैर अभी भी नहीं आया, बेटी आई है मार्केट से, तो वो जो सामान लेके आई है तो मैं वो आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई है। एक बच्चे का बर्थडे है, वो शायद हाँ 1 ईयर का है, तो कुछ उसके लिए भी गिफ्ट लेके आई है। गिफ्ट तो पैक है। हाँ, जो दीदी है, मैं दीदी दिखा रही थी, अभी प्रेस कर रही थी, खाना बना रही थी, तो उनका पोता लगता है वो, तो उसके लिए गिफ्ट है। चलो मैं दिखाती हूँ। ये दीदी की बड़ी बेटी है, मास्क लगाए है फ्रेंड। और दीदी उधर चली गई, और ये है दीदी का बेटा। हाय गाइस, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम बेटी। और ये बड़ी बेटी है, इधर दिखा, ये बड़ी बेटी, और ये है छोटी राशि। छोटी, अच्छा छोटी चली गई। हाय गाइस, आई एम सन्नी। अच्छा सन्नी, और ये है जो मैं बता रही थी, होम टूर दे दो। दे दिया होम टूर, होम टूर दे दिया। जो मैं बता रही, तीन बहनें हैं, जो बीच वाली है उसका बेटा भी यहीं आया हुआ है, क्योंकि वो 10th क्लास में है, तो अपने वहाँ नहीं पढ़ता, तो दीदी के पास यहाँ बच्चे के यहाँ से आए हैं, तो वो भी दिखाती हूँ। ये है, तो इसका नाम स्कूल में तो है विशेष त्यागी, बट इसे हम प्यार से जीत बोलते हैं। और ये है प्रीत, ये बड़ा है इससे थोड़ा सा, तो इन दोनों के हमने सेम नाम रख दिए, प्रीत और जीत। ये प्रीत एंड ये जीत। ओके फ्रेंड्स, करते हैं इस ब्लॉग का यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट ब्लॉग देखना ना भूलें। बाय बाय।